सुरेश जी एक एक शीट इंसर्ट करिए, प्लस करिए और एक शीट इंसर्ट करिए, नीचे प्लस पे क्लिक करके नया शीट इंसर्ट करिए और हम लोग थोड़ा सा इंसर्ट टैब को एक्सप्लोर करेंगे। ये कर लिया आपने, डेटा टैब पे जाइए, ज़रा डेटा टैब पे जाइए, हाँ उसके बगल में है, और इसमें इसमें आपको डेटा टैब नहीं सॉरी सॉरी व्यू टैब में जाइए, दो टैब और छोड़ के व्यू पे जाइए और पे जाके जहाँ ग्रिड लाइंस लिखा है ना उसको टिक कर दीजिए। जस्ट आपके कर्सर के नीचे देखिए ग्रिड लाइंस, उसका टिक हटा दीजिए। सो क्या होगा कि आपके ना लाइंस हट जाएगी, स्क्रीन बिल्कुल सादी हो जाएगी। देखा आपने? Yes. स्क्रीन सादी हो गई बिल्कुल। अब आप इंसर्ट टैब पे जाओ वापस और वहाँ से कुछ चीज़ें लाएंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंसर्ट टैब पे गए और इसमें देखिए इलस्ट्रेशंस को क्लिक करिए, लेकिन ये आपकी कंपनी का लैपटॉप है? Yes, sir. बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों को एक्सेल दिया है उन्होंने, फुल फीचर वाला एक्सेल है ये, बहुत बढ़िया है ये तो, मतलब जो मेरे पास है वही आपके पास है, बिल्कुल कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशंस को क्लिक करिए, नीचे वाला एरो क्लिक करिए और ये देखिए इसमें आया पिक्चर शेप आइकॉन 3D मॉडल स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें से आप पिक्चर को एक बार क्लिक करिए, पिक्चर पे क्लिक करिए, अब वो पूछ रहा है इस डिवाइस से लाना है, स्टॉक से लाना है या ऑनलाइन लाना है, एक बार ऑनलाइन क्लिक करिए, अगर आपका नेट अच्छा होगा तो आ जाएगी। ये आ गया। सो अभी आप बीच पे क्लिक कर लीजिए, नीचे देखिए बीच दिख रहा है, यस उसके जस्ट पहले, ये बर्ड्स है, बर्ड्स के पहले बीच है, इसको क्लिक कर दीजिए, बीच के बड़े सुंदर सुंदर पिक्स आ जाएंगे। इसमें पहले वाले को क्लिक कर दीजिए और नीचे इंसर्ट कर दीजिए, हाँ एरर ऑकर्ड, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर लेते हैं, नेट का कई बार इश्यू रहता है। फिर से इलस्ट्रेशन पे जाइए, पिक्चर्स पे जाइए और ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाइए, ओके, और ये वाला नहीं चुनते, दूसरा कोई चुन लेते हैं, तो उसके नीचे जो लंबा सा दिख रहा है ब्लू पिक्चर, हाँ इसको एक बार ट्राई कर, नीचे वाला हाँ इसको ट्राई करके देखिए, जरा इंसर्ट करिए, थोड़ी सादी पिक्चर दिख रही, क्या पता आ जाए। डन सर, हो गया ना? सर नेटवर्क इशू है मुझे डाउनलोडिंग, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क कमजोर होने का, हो गया सर, हो गया। अब ये देखिए जैसे ही आपका पिक्चर आया ना, मेन्यू बार में देखिए क्या आ गया, पिक्चर फॉर्मेट आ गया, राइट, वेरी गुड बालाजी का भी आ गया। और ये देखिए आपके ना नीचे स्क्रीन अलग अलग दिख रहे हैं, राइट, पहले तो इस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लीजिए, इसका कोना पकड़िए और अंदर की तरफ खींच दीजिए, नीचे का कोई कोना पकड़िए और प्लस करके अंदर खींच दीजिए, हाँ बड़ा कर दिया आप, बहुत बड़ा कर दिया, कंट्रोल जेड करिए छोटा हो जाएगा, कंट्रोल जेड, हाँ इसका कोना अंदर की तरफ खींचना है। हाँ आपका कर्सर कहीं पे बीच में ब्लिंक कर रहा है, आप उसका जहाँ पे M लिखा है वो दिख रहा है आपको, M लिखा है, M कॉलम, M कॉलम के पास जाइए और उसका एक डॉट आएगा, कॉलम को नहीं लेना है, पिक्चर को सेलेक्ट करिए, अभी आपने हाँ पिक वो देखिए, हाँ वेरी गुड, बस अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए पिक्चर को टिक करके, और कोने में गोला दिख रहा है आपको, गोला डॉट M कॉलम के पास, M कॉलम, M उसको, हाँ इसको पकड़ के अंदर की तरफ लाइए, अंदर की तरफ लाइए, अंदर अंदर नीचे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, हाँ और नीचे लाइए, और नीचे लाइए, और नीचे लाइए, ज़्यादा तेज नीचे ला दिया आपने, ठीक है। अब इसको पकड़ के ऊपर थोड़ा ड्रैग करिए, शायद थोड़ा छोटा हुआ हो, हाँ वहाँ से नहीं, वहाँ से तो बड़ा होता है, वहाँ से तो बड़ा होता है, जब उसके अंदर आप रखोगे ना इमेज, इमेज के अंदर कर्सर रखोगे प्लस, हाँ अब आप मूव कर सकते हो, यस, अच्छा आपने इसको उल्टा भी कर दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। सो देखिए गाइस, ये आपके पास एक पिक्चर है, राइट, अब इस पिक्चर को आप रोटेट का ऑप्शन देखिए, दिखाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि उल्टी हो गई है, ऊपर जाइए मेन्यू बार में, अरेंज लिखा है, दिख रहा है आपको अरेंज, राइट साइड में, और राइट में आइए, लेफ्ट में है अभी आप, राइट में आइए, लेफ्ट में है आप, राइट में आइए, राइट में, 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 और राइट में,
और राइट में, वहां देखिए वो एक एरो बना है, एक ट्रायंगल और एरो बना है, उसको क्लिक करिए। रोटेट राइट 90 डिग्री करिए जरा, और एक बार करिए जरा, फिर से करिए खोल के, और एक बार करिए। ये देखिए पिक्चर आपकी घूम रही है वहां से, देखा आपने? अच्छा आजी आजी। अभी आप बीच में पिक्चर स्टाइल देखोगे ना, बीच में मेन्यू के देखो पिक्चर स्टाइल, उसमें किसी भी क्लिक करोगे ना, वो सबसे वो काले वाला है साइड में, उसको क्लिक करिए जिसमें काला बॉर्डर दिख रहा है। आप बीच में आइए, अभी आपका कर्सर किनारे है, बीच में आइए, बीच में आइए, वो छह छह पिक्चर्स दिख रही हैं अलग अलग, कैन यू सी? आपने कुछ किया जो मेरे को नहीं समझ में आया, क्या किया आपने? पिक्चर को सेलेक्ट करिए और ऊपर पिक्चर फॉर्मेट को क्लिक करिए आपने। आप कहा ये देखिए ना, माउस को क्लिक मत करिए, माउस को घुमाइए, क्लिक करेंगे मतलब कुछ हो जाएगा, क्लिक नहीं करना है। पिक्चर फॉर्मेट को क्लिक करिए, ऊपर मेन्यू बार में हेल्प के बगैर में पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है, नहीं मिल रहा है आपको, उसके और राइट में जाइए, होम इन, हाँ और राइट में देखिए पिक्चर फॉर्मेट लिख के आ रहा है ऊपर, जरा सा ऊपर लिख के आ रहा है, यस yes. उसको क्लिक करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट का मेन्यू खुलेगा, जैसे टेबल टूल्स आया था वैसे ही पिक्चर फॉर्मेट आएगा, जब शेप डालेंगे तो शेप का फॉर्मेट आएगा, ऊपर ही देखना है आपको, राइट। अब जहाँ आपका कर्सर है उसके जस्ट नीचे देखिए, छः सात इमेज दिख रही है, हाँ आपने इसको क्लिक कर दिया, जस्ट नीचे क्लिक करना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, यस। इनको आप सबको एक एक करके क्लिक करके देखिए, उसके साइड वाले को क्लिक करिए, देख रहे हैं आपके फ्रेम लग गई आपके पिक्चर में, ग्रे कलर की फ्रेम लग गई, उसके साइड में जाइए, ये देखिए थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ गया, थोड़ा सा साइड में जाइए, ये देखिए शेडो आ गया, और साइड में जाइए, साइड से हेज हो जाएगा, राइट। और साइड में जाइए, बॉर्डर बन जाएगा, राइट। और उसके साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, अगर आप वो ड्रॉप डाउन गिरा लेंगे, अगर आप वो ड्रॉप डाउन, हाँ उसके नीचे वाले को गिराएंगे, वो तो ऊपर नीचे का है, जस्ट नीचे आइए, राइट, उसको क्लिक करिए। और अब इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें, गोल वाला चूज कर सकते हैं, देखिए बीच में सर्कल है, सर्कल चूज करिए, देखिए सर्कल बन गया, राइट। कोई भी आप इसमें कर सकते हैं। सो गाइज, आर यू एबल टू एक्सप्लोर दिस? कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ये आप लोगों ने पहले किया था या दिस इज समथिंग न्यू? सर फर्स्ट टाइम किया है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब इसमें देखिए आप ना, ये कैसी चीजें हैं मैं बताऊं, इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है, राइट। ये कैसे आप सीखोगे पता है? ये तब सीखोगे जब आप और एक इमेज लेके आओ, उसके साथ कुछ कुछ चेंजेस करो, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लोर करो, जितनी आप चीज़ें इसमें से एक्सप्लोर करोगे उतनी आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी। आप साइड में देखोगे करेक्टनेस है, रिमूव बैकग्राउंड है, कलर है, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ओके, सो इसको आपको बेसिकली एक्सप्लोर करना है, और आप अगले 24 घंटे में थोड़ा एक्सप्लोर करके, मैं हो सकता है इसका वीडियो डाल दूंगा अभी, सो एक्सप्लोर करिएगा, कहीं डाउट लगे देखिएगा, और फिर मेरे को नेक्स्ट क्लास में इससे डाउट पूछिएगा मंडे के दिन। मंडे के दिन अपना क्लास है कि नहीं? संडे भी है सर। संडे तो नहीं है, मैंने नया टाइम टेबल भेज दिया है, तो मंडे को होगा। आप संडे को थोड़ा आप लोग घर फैमिली के साथ नाश्ता वाश्ता करिए, सुबह सुबह मैं आ जाता हूँ आपके घर में, सब छूट जाता है। ओके, सो गाइज, ये हमने कर लिया। अब मैं इसके साथ आपको दूसरी इलस्ट्रेशंस में दूसरा चीज दिखाता हूँ। दूसरी जगह कर्सर रख दीजिए, इसके बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए, पी कॉलम में या कहीं क्लिक कर दीजिए, और एक बार फिर से चलिए इंसर्ट में, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, चलिए इंसर्ट में, इंसर्ट में जाके फिर से क्लिक करिए इलस्ट्रेशंस पे, इस बार क्लिक करिए शेप्स पे, और इसमें से नीचे देखिए स्टार दिख रहा होगा, बहुत सारे शेप है, एक दिखाता हूं मैं आपको, स्टार ले लीजिए, थोड़ा नीचे आइए, हाँ साइड में देखिए स्टार है, तारा जिसको कहते हैं, हाँ ये क्लिक कर दीजिए। अब आपके इस पे प्लस का साइन बना है, एन कॉलम में आके जरा पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे आइए क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ, क्लिक करिए टिप और खींचना शुरू कर दीजिए, चारों तरफ खींचिए, आप सीधा खींच रहे हैं, साइड में भी जाइए थोड़ा, स्टार को थोड़ी जगह भी दीजिए, हाँ
खींचे खींचे बिंदास, घबराइए मत, अभी भी उसका कोना पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। कोना पकड़िए, बड़ा छोटा करिए उसको। हाँ ये देखिए, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इसमें घबराने की बात नहीं है। 2-4-10 बार करेंगे फिर आपको लगेगा अच्छा ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है। शुरू शुरू में लगता है अरे क्या हो रहा है ये, राइट। अब इस स्टार को ना हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने स्टार लिया ऊपर देखिए शेप फॉर्मेट लिख के आ रहा है मेन्यू बार में, जहाँ पिक्चर फॉर्मेट लिख के आ रहा था वहाँ शेप फॉर्मेट लिख के आ रहा है। जरा अपने आप ढूंढिए, मैं इस बार हेल्प नहीं करूँगा। मेन्यू बार में ढूंढिए शेप फॉर्मेट कहाँ है। यस वेरी गुड, क्लिक करिए उसको। अब ये देखिए शेप की फॉर्मेटिंग खुल गई, उसी के नीचे शेप फिल है उसमें जाइए, क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन लीजिए उसका, यहाँ आके लाल रंग भर दीजिए नीचे से, बिल्कुल नीचे देखिए रेड कलर है, उसके साइड वाला भरिए मैरून, ये लाल थोड़ा ज़्यादा तेज है। यस ठीक है, ये मैरून भर दिया आपने, ओके। अब इसको छोड़ दीजिए, शेप फिल के नीचे आइए, उसके नीचे शेप आउटलाइन फिल है उस जस्ट नीचे। हाँ हाँ हाँ, वो तो कर चुके हैं आपने, फिर कलर बदल दिया, मैरून वाले कलर को चुन लीजिए, उसके नीचे वाले को कलर लीजिए, ये आपकी आउटलाइन को कलर देगा। उसका बॉक्स खोलिए, इसमें जाके नीला रंग भर दीजिए। हाँ 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 हाँ, ब्लू कलर भरिए, ये अलग चीज़ हो रही है। नीचे आइए, कलर भरिए और नीचे आ जाइए, डार्क वाले में से ग्रीन लेंगे, ग्रीन ले लीजिए, आपका जो मन है ले लीजिए, ग्रीन लेना है, ब्लू लेना है, नीचे वाली लाइन में से ले लीजिए, रेड मत लीजिएगा बस। ये ले लिया आपने, अब हो गया हो गया। अब आप शेप आउटलाइन में फिर से जाइए, शेप आउटलाइन में फिर से कलर लग चुका है, बस दिख नहीं रहा है। इसको दिखने के लिए आप नीचे आइए, वेट लिखा है, वेट बिल्कुल नीचे आइए, वेट को जाइए और साइड में जाके मोटी वाली लाइन चुन लीजिए, सबसे साइड में जाइए, नीचे जाइए और मोटी लाइन, ये देखिए क्या मोटी ग्रीन लाइन लग गई आपकी, ओके। अब बीच में जो आपकी वो जो बिंदी दिख रही है पीले रंग की बिंदी, उसको पकड़ के जरा नीचे खींचिए, नहीं पकड़ा नहीं आपने उसको, टैप करेंगे तब पकड़ में आएगी, ऐसे नहीं आती है। ये देखिए इसको बाहर ले जाइए, इसका अलग अलग शेप बन रहा है, बिल्कुल मेरे से सही टीचर बनते जा रहे हैं सुरेश जी, अभी बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, बच्चे खुश हैं, देखिए बालाजी इज हैप्पी, एवरीबॉडी इज एबल टू डू, वेरी गुड। सो प्लस वाले को और आप देख लीजिए ड्रैग करके, ये जो भी शेप आप लाओगे, मैंने अभी आपको शेप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, अभी आप शेप फॉर्मेट को एक बार और क्लिक करके दिखा दीजिए, मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं उम्मीद ये करूँगा कि आप बाकी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, उसमें एडिट शेप है, अलग अलग तरीके के शेप हैं, स्टार है, रेक्टेंगल है, बॉक्स है, ट्रायंगल है, सर्कल है, लाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन सबको खेलने के लिए जो मेन चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अब जैसे इसके लाइन को ना आप स्केच लाइन बनाना चाहते हैं, अब नीचे आइए, जहाँ वेट डाला था उसके नीचे आइए, वेट के नीचे आइए, वेट के नीचे, हाँ स्केच पे जाइए और वो देखिए उसमें चौथा वाला चुन लीजिए, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, साइड में आइए, नीचे जाइए, चौथा वाला चुन लीजिए, देखिए अब आपके स्टार के चारों तरफ टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन गई, कैन यू सी उसकी बॉर्डर जो है। एक बार पीले को थोड़ा अंदर खींचिए तो आपको दिखेगा, येलो को पकड़ के अंदर खींचिए, यस ड्रैग इट इनसाइड, नीचे की तरफ खींचिए, पकड़ा नहीं अभी आपने इसको, को टिप करके पकड़ना पड़ता है फिर खींचता है वो, यस यस यस, ये देखिए। तो अब आपको ये दिख रहा है कि कैसे उसका शेप बना हुआ है, राइट। सो गाइज आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और इसको ट्राई करेंगे, राइट, और मेरे को बताएंगे कि सर ये तो आपने सिखाया नहीं लेकिन मैं खुद सीख गया, देखिए कितनी बढ़िया चीज है इसके अंदर, ओके। फिर से हम चलते हैं इंसर्ट पे और इस शीट के थोड़ा नीचे आते हैं, इसको साइड में डाउन 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 करिए, शीट को, शीट का कर्सर थोड़ा नीचे करिए, आप कर पा रहे, बाकी लोग कर पा रहे हैं, बिकॉज बालाजी का तो मेरे को कॉन्फर्मेशन आ रहा है लेकिन बाकी लोग कोई बता नहीं रहे हैं, सब लोग खुश हैं मेरे को लग रहा है, हाँ एवरीबॉडी इज हैप्पी डूइंग द शेप्स, राइट, ओके ठीक है, ओके। सो ये नीचे पे कहीं कर्सर रख लीजिए सुरेश जी, कहीं कर्सर रखिए एन कॉलम में कहीं नीचे, हाँ ठीक है, और अब आप इंसर्ट पे जाइए, इलस्ट्रेशंस पे जाइए, अब हम आइकॉन्स लेंगे, उसके बाद आइकॉन्स है, अभी देखिए वो आइकॉन्स लोड कर रहा है,
अब इसमें ना बहुत तरीके के आइकॉन्स हैं और इस आइकॉन्स में से जो भी आप चाहें उसको चूज कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे बहुत सारी कैटेगरी है, पजल एंड गेम, कम्युनिकेशन, व्हीकल्स, बिजनेस, ये सब अलग अलग है। तो इसमें से जो भी आइकॉन आपको चाहिए, जैसे पहले रो में आपको वो रिंग 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 दिख रही है, उसको एक बार टिक कर लीजिए। मॉलिक्यूल आइटम्स घूमते हुए दिख रहे हैं। और साइड में आइए, एरोप्लेन ले लीजिए, कोई बात नहीं, एरोप्लेन टिक कर लीजिए। उसके साइड में गोला आ रहा है, हाँ, उसके जस्ट नीचे जाइए, एक चार्ट दिख रहा है, चार्ट को क्लिक कर लीजिए, हाँ, उसको टिक कर लीजिए। उसके साइड में देखिए आएंगे तो एक मीटिंग चल रही है, दो लोग बैठे बातें कर रहे हैं, उसके बगल में एक पहलवान दिख रहा है, एक दो पे आप टिक कर लीजिए जहाँ भी आपका मन करे। उसी में राइट साइड की तरफ आइए, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी आप ले लीजिए, थोड़ी अलग अलग ले लीजिएगा, ये तो सेम ही है, इसको छोड़ के अनटिक कर दीजिए। चलिए, अच्छा कोई बात, इंसर्ट इंसर्ट का बटन क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट फोर। अब क्या होगा, यहाँ पे चार आपको ये इमेज आ गई। अब ये जो आई हैं इसके बाहर कहीं क्लिक करिए, एक टैप करिए बाहर कहीं टिप। अब उसके ऊपर जाके एक एक को अलग करिए, एक धीरे से कोने में टिक करिएगा और खींचिएगा, खींचिए साइड में, यस, ऐसे कर करके चारों को अलग करिए। वेरी गुड। अब इसको जैसे आपने क्लिक किया, ऊपर ग्राफिक फॉर्मेट आ गया मेन्यू में, जाके क्लिक करिए, ग्राफिक फॉर्मेट ढूंढिए मेन्यू बार में, ओके। अब इसके अंदर ग्राफिक फिल आया, उसमें जाके कलर भर दीजिए अपनी पसंद का, जैसा भी चेहरा आपको पसंद हो, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा भरिएगा जो दिखे, यस, डार्क कलर, राइट। ये आपने ग्राफिक्स का फिल बना लिया। अब उसके पास आउटलाइन बना लीजिए उसके जस्ट नीचे से, फिल के नीचे आउटलाइन है, नहीं नहीं उसके नीचे वो नहीं, वो तो फिल है, यस। अभी कलर लीजिएगा, अलग कलर लीजिएगा, रेड ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, तो दिखेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। सर ये ग्राफिक कहाँ है, ग्राफिक नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा रहा हूँ, वेट में जाके थोड़ा वेट दे दीजिए। हाँ, कौन बोल रहे हैं, भगवान जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशंस में और क्या क्या दिख रहा है, आप वेट बढ़ा दो सुरेश जी, वेट बढ़ा दो थोड़ा सा, तो आउटलाइन दिखेगा। इलस्ट्रेशंस में, इंसर्ट में, इलस्ट्रेशंस में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? पिक्चर सेफ आइकन वगैरह दिख रहा है। हाँ, आइकन ही तो चाहिए, आइकन तो ले लिया, ये ग्राफिक है ना, ग्राफिक फॉर्मेट। हाँ, ग्राफिक फॉर्मेट तो आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा इसलिए नहीं आ रहा है, आप सेलेक्ट करोगे तभी आता है वो। देखिए ये वाली चीज तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, सीख जाइए, नहीं तो दिक्कत करती रहेगी एक्सेल में। मतलब क्या बता रहा हूँ कि जो भी चीज पे आप काम कर रहे हो ना, टेबल पे काम कर रहे हो टेबल टूल्स आएगा, पिक्चर पे काम कर रहे हो पिक्चर टूल्स आएंगे, शेप पे काम कर रहे हो शेप फॉर्मेट आएगा, ग्राफिक पे काम करोगे, लेकिन वो आएगा कब पता है, जब आप उसको सेलेक्ट करोगे। आप बाहर क्लिक कर दोगे वो गायब हो जाएगा। जी सर, जैसे ही क्लिक करोगे उस ऑब्जेक्ट को, ऊपर आपको मेन्यू बार में दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, वो देखिए वेट नीचे है, आप भूल गए, वेट नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए सुरेश जी, वेट लिखा हुआ है उसमें, जाके बड़ा वेट लेना था, साइड में जाइए, नीचे जाके मोटा वेट लीजिए, यस। सो आपने फनी कैरेक्टर बना लिया, बाकियों को भी आप लोग कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर लीजिए, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रोटेट देखिए, रोटेट घुमा देता है, क्रॉप क्रॉप कर देता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, हाइट बढ़ा सकता है, विड्थ बढ़ा सकता है, राइट, इसके शेप्स चेंज कर सकता है। उसमें देखिए कन्वर्ट टू शेप भी है, शुरू में देखिए जरा एक, आपको ग्राफिक्स फॉर्मेट के बिल्कुल लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में आपको कन्वर्ट टू शेप दिख रहा है, एक बिल्कुल लेफ्ट में जाइए मेन्यू में, इसी रिबन में नया रिबन नहीं चाहिए, इसी रिबन में लेफ्ट में जाइए, बिल्कुल लेफ्ट में, उसके साइड में आइए, हाँ, उसको क्लिक करिए,
अच्छा उसको क्लिक करने से ऐसा बन गया, नहीं ऐसा तो नहीं बनना चाहिए। हाँ 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 हुआ नहीं, आप वापस शेप फॉर्मेट में जाके रिबन खोलिए, शेप फॉर्मेट को जाके क्लिक करिए तब आपका रिबन खुलेगा, आपका रिबन गायब हुआ है। हाँ अच्छा शेप फॉर्मेट आ गया, ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट, वो शेप में कन्वर्ट हो गया। अच्छा वेरी गुड, सो व्हाट हैपेंड इज कि आपका जो आइकॉन था वो शेप में बदल गया और वो अलग अलग शेप्स को हैंडल करने की आपको कला बता रहा है। कंट्रोल जेड करिए एक बार जरा देखें वापस आइकॉन बनता है क्या, कंट्रोल जेड करिए, हाँ ऊपर ग्राफिक फॉर्मेट आ गया, शेप फॉर्मेट आया था ग्राफिक फॉर्मेट आ गया। अब जाके ग्राफिक फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ग्राफिक फॉर्मेट आपको दिखने लगेगा। सो गाइज आर यू एबल टू वर्क ऑन दिस, ग्राफिक्स पे काम कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके वेरी गुड, अब मैं आपको 3D दिखाता हूँ। एक एक बार कर्सर रखिए क्यू कॉलम में, कर्सर रखिए नीचे थोड़ा रखिएगा, नीचे जहाँ खाली सेल है वहाँ रखिएगा और थोड़ा नीचे आ जाइए स्टार के पीछे आ जाएगी जो चीज़ आप लाना चाहते हैं। मैं एक खाली जगह चाह रहा हूँ जिससे कि कुछ इंसर्ट करूँ तो आपको दिखे, आप स्टार के आसपास रखेंगे तो स्टार के ऊपर ही चढ़ जाएगा। और एक्सेल की किट कितनी बड़ी है, फुटबॉल ग्राउंड की जितनी बड़ी है, तो हमें घबराना नहीं है, बहुत बड़ी है वो, साइड में आ जाइए ऊपर आ जाइए तो खाली जगह मिल जाएगी। ठीक, अब आप फिर से जाइए इंसर्ट पे, गो टू इलस्ट्रेशंस, क्लिक ऑन 3D मॉडल्स। ये भी थोड़ा टाइम लगाएगा, ये सबसे हैवी होता है, नेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। ये आ गया, इसमें आप बायोलॉजी लिख लीजिए, ऊपर टाइप करिए बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी के इमेज बड़े प्यारे लगे इसमें, BIOLOGY, BAO लिख दिया आपने, BIOLOGY, एंटर कर दीजिए। अभी ये देखिए ये एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल आया है, ये देखिए एक सेल आया बिल्कुल सीप के मोती की तरह, उसको क्लिक करिएगा, उसके साइड वाला ले लीजिए, वो और अच्छा है, एक ही लेके चलेंगे क्योंकि बहुत हैवी होता है। क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, हाँ इंसर्ट कर दीजिए, ये 3D इमेज थोड़ी हैवी होती है तो उसको इंसर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, वो कर रहा है, अच्छी बात है। ये देखिए आ गया, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, कोने से बड़ा करेंगे, साइड से बड़ा करेंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी, कॉर्नर से बड़ा करेंगे ना तो वो चारों तरफ बराबर बढ़ता है, तो हमेशा कोने से नहीं, ये नहीं, ये कोना नहीं है, हाँ ये कोना है, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचिए डायगोनली, जैसे पतंग को खींचते ना वैसे, हाँ अब छोड़ दीजिए काफी है, छोड़ दीजिए तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। और उसके बीच में जो हॉवर बना है, बीच में देखिए कुछ बना है, उसको पकड़ के थोड़ा घुमाइए, हाँ उसको पकड़ के थोड़ा माउस ऊपर नीचे करिए थोड़ा सा, देखिए घूमना शुरू होगा, ये देखिए ऊपर जा रहा है, नीचे करिए नीचे की तरफ आएगा, ब्रिंग इट डाउन, ये देखिए ये देखिए ये पूरा 3D इमेज है। इसमें स्पेस क्राफ्ट ला सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल 3D मॉडल्स की तरह हैं इसके अंदर, आप इसको साइड में घुमाइए और ऊपर अगर आप मेन्यू बार में जाएंगे तो 3D मॉडल्स का आपको वो दिखेगा कि 3D मॉडल्स को कैसे आप फॉर्मेट कर सकते हो, पर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी दिखेगा आपको मेन्यू बार में। गॉट इट बालाजी, मिला आपको ये? ओके यस सर, मिला सर। ओके वेरी गुड, वर्षा रेखा अश्विनी वेयर आर यू गाइस, मिल रहा है आप लोग को? नहीं सर। क्यों किसको नहीं मिला? वर्षा को मिल गया है, रेखा को नहीं मिला? मिल गया सर। अश्विनी को नहीं मिला? Somebody said नहीं,
भगवान जी को नहीं मिला। ये एक्सेल आपका पुराना वर्जन तो नहीं है भगवान जी, लेकिन आपके आइकॉन्स तो आ रहा था, तो 3D भी आना चाहिए। हाँ3D आ गया, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा बॉस। अच्छा, इमेज बन गई है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, और उसके बीच में एक प्लस का साइन है, बस उसको पकड़ के घुमाना है। वो बीच में देखिए उसके, वो बना हुआ है दो रिंग, उस रिंग पे जाइए भगवान सुरेश जी, एक बार जाइए और रिंग पे, बीच में जो रिंग है, और उसको होल्ड करके चारों तरफ घुमाइए जरा तेजी से। देखो बिल्कुल वो तो लट्टू की तरह घूमने लग जाएगा। आप लोग सिर्फ घबरा रहे हैं, जैसे टूट के बाहर आ जाएगा टेबल पे, नहीं आने वाला बाहर। बोल रहे कहीं घर के अंदर आ गया तो फिर इसको रखेंगे किधर, वो निकलेगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। इसको बिंदास घुमाइए, राइट। इसको शेप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऊपर मेन्यू पे जाके देखिए, 3D मॉडल करके लिखा है मेन्यू में हाँ जी, हाँ भी, जी, उसको क्लिक करिए। वहां से भी आपको घुमाने के ऑप्शंस आते हैं, वो देखिए वो बने हुए हैं 6 ऑप्शंस, किसी को भी क्लिक करिए वो घूम जाएगा। देख रहे हैं? हाँ जी। और ये आपके ना पीपीटीज वगैरह के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी 3D चीजें हैं उसके अंदर, और बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा आप एनिमेशन वगैरह बना के और उसको रख सकते हैं। हो गया सर, हो रहा है, हो रहा सर। वो बड़ा कैसे, वो बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा होगा, एक बार रिपीट करो। हाँ, बड़ा करने के लिए सुरेश जी अब एक्सपर्ट है, हमारे एक्सपर्ट आपको दिखाएंगे किस तरीके से छोटा बड़ा करना है। उसको कॉर्नर पे पकड़ेंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे तो छोटू हो जाएगा। अंदर ड्रैग करिए डायगनली अंदर, जैसे पतंग को अंदर की तरफ खींचेंगे। यस, और छोटा कर दीजिए, बिल्कुल छोटा कर दीजिए सुरेश जी, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल पकड़ के अंदर ले आइए उसको, उसके सेंटर की तरफ ले आइए। नीचे ला रहे हैं आप, सेंटर की तरफ लाएंगे तब छोटा होगा। सेंटर मतलब बीच में, हाँ ये देखिए छोटा कर दिया है, और छोटा कर दीजिए, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। एक्स डिजिटल दुनिया की यही खास बात है, असली दुनिया में आपको जो काम करने में बहुत मेहनत लगेगी, यहाँ पे 1 मिनट में हो जाता है। लाइफ में कोई बोलेगा कि सेल को डबल कर दो, हमें बुखार आ जाएगा, कैसे करें भाई। यहाँ पे डबल करना है, फॉर्मूला इज इक्वल टू इंटू टू डबल, बाहर जाके करना है, फिर पसीने छोड़ते हैं, बोलते हैं भैया क्या मुश्किल काम हुआ। और एक बार वो प्लस को घुमा के आपका इस सर्कल को सीधा कर दीजिए, उल्टा हो रखा है, सीधा में तो और अच्छा दिखता है। बीच वाले जगह जाइए एक बार, हाँ यहाँ से भी घुमा सकते हैं आप। यस, आपने उसका ओरिएंटेशन घुमा दिया, वेरी गुड। यस, अभी हो रहा है रेखा जी। अश्विनी आपको इश्यू आ रहा है कुछ? सर एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है आज। अच्छा, सो आई एम ट्राइंग बट उसको टाइम लग रहा है। ये मुझे ये आ गया सर, दिस आई हैव वर्कड ऑन बिफोर, सो आई नो दिस, ये ड्रैगिंग। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो गाइस थोड़ा साइड में आते हैं, थोड़ा साइड में आते हैं, और एक मैं आपको दिखा देता हूँ स्मार्ट आर्ट, राइट। एक खाली जगह पे आइए, थोड़ा साइड में ऊपर की तरफ चलिए, ऊपर की तरफ चलते हैं अपनी शीट में। आप एरो करके जूम से ऊपर भग जाइए। यस, अब यहाँ पे मैं एक स्मार्ट आर्ट डालूंगा। अब फोर फोर कॉलम में क्लिक कर, फोर रो में क्लिक करके थोड़े रो भी इंसर्ट कर दीजिए, थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाएगी। चौथे रो को क्लिक करिए, फोर्थ रो, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके थोड़ी जगह इंसर्ट कर लीजिए। पूरी रो लीजिएगा, हाँ कॉलम नहीं, ये तो कॉलम है, रो बोल रहा हूँ, 4 नंबर रो। रो साइड में होता है 1 2 3 4, जैसे कॉलम्स ऊपर होते हैं उसी तरीके से लेफ्ट साइड में। हाँ, 4 को क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, 5 6 बार प्रेस करिए, सब नीचे चला जाएगा। यस, और कर दीजिए, ये बन गई जगह। अब हम यहाँ पे लाएंगे स्मार्ट आर्ट, फिर से जाइए इंसर्ट में, फिर से जाइए इलस्ट्रेशंस में, और यहाँ से लीजिए स्मार्ट आर्ट। अब इसमें से हिरार्की पे आइए, चौथे नंबर पे हिरार्की है, 5वें नंबर पे। इसमें से हिरार्की में से पहले वाला चूज कर लीजिए, हिरार्की पहले सेलेक्ट करिए। आप अभी इस वक्त मैट्रिक्स पे हैं,
हिरार्की को सेलेक्ट करिए, हिरार्की पांचवें नंबर पे है, ऊपर जाइए। यस वो ऊपर ऊपर, ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के ऊपर हिरार्की है। हाँ, इसको क्लिक कर लीजिए और आप इसमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए, पहला वाला ही चूज कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए, अगर आपको ना कुछ भी कोई प्रोसेस दिखानी हो, कोई हिरार्की दिखानी हो, आप ऐसे लिखोगे बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन इसमें बड़ा आसान है। जहां पे सबसे पहला बॉक्स है वो सिलेक्टेड है, वहां पे लिख दीजिए सीईओ, कैपिटल्स में लिख दीजिए सीईओ। और नीचे वाले में लिख दीजिए सीटीओ। नीचे उसके लिख दीजिए CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। उसके बगल में लिख दीजिए CMO। उसके बगल वाले, हाँ CMO। उसके बगल में लिख CAO, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। ये देखिए, आपने हायरार्की कितनी आराम से बना के दिखा दिया कि आपकी कंपनी में किसके नीचे कौन है। आप नीचे और ऐड करना चाहते हैं, मैनेजर लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल, सब ऐड हो जाएगा इसमें। और अब इसको ऊपर जाके आप एक बार स्मार्ट आर्ट डिजाइन पे क्लिक करिए, तो आप इसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मेन्यू में जाइए, स्मार्ट आर्ट डिजाइन पे क्लिक करिए, उस पर डबल टैप कर दीजिएगा सुरेश जी, वो बार बार आपका बंद हो जा रहा है, डबल टैप करिए, टिप टिप, तब खुला रहेगा वो। ठीक है, अब आप जाइए चेंज कलर्स में, जस्ट नीचे और साइड में देखिए चेंज कलर ऑप्शन आ रहा है। उसके पहले और इसमें से नीचे जाके येलो ग्रीन वाला कोई ऑप्शन ले लीजिए, तो नीचे जाइए। हाँ वेरी गुड, ये देखिए कलर्स आ गए, राइट क्लिक कर दीजिए उसको, क्लिक करेंगे तभी एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब आप देखिए साइड में जहां से आपने कलर लिया था उसके बगल में बहुत सारे डिजाइन आ रहे हैं, उसका ड्रॉप डाउन ले लीजिए, उसका ड्रॉप डाउन ले लीजिए। इसमें से देखिए सबसे नीचे देखिए कैसे बिल्कुल चेंज होते हैं एंगल्स हैं, नीचे आइए बिल्कुल, हाँ और नीचे, ये देखिए कैसा चेंज हो गया। तो आप जैसा लिखना चाहेंगे वैसा इसको रख सकते हैं, द वे यू वॉन्ट टू प्रेजेंट यू कैन राइट इट। ठीक है, अब इसमें आपको मान लीजिए आपकी कंपनी में सीईओ के नीचे दो लोग हैं, तो आप सीईओ के पास कर्सर रखिए, जहाँ सीईओ लिखा है आपने उस पर क्लिक करिए, एक बार क्लिक करिएगा बस, उसके बॉर्डर पे क्लिक करिए। अभी क्लिक हुआ नहीं है, अभी सीएओ क्लिक है, क्लिक मतलब क्लिक करना ही पड़ेगा। अभी आपने उसपे टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, राइट, आप टेक्स्ट पे नहीं, उसके बॉर्डर पे क्लिक करिए जहाँ पे लाइन्स है उसकी बाहर की, हाँ वहाँ पे, हाँ वेरी गुड। अब आप जाइए देखिए ऊपर स्मार्ट आर्ट डिजाइन फिर आपका छुप गया है, उस पर डबल टैप करेंगे ना तो खुल जाएगा, एक बार ये भी सीखिए, जरूरी है ये। स्मार्ट आर्ट डिजाइन पे जाइए, दो बार टैप करिए, टिप टिप, हाँ अब ये खुला रहेगा, अभी तक आपका ये बंद था। फॉर्मूला बार भी आपका देखिए डबल चौड़ा हो रखा है, उतना चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बार देख रहे हैं, आपको मोटी स्ट्रिप आ रही है, उसको पतला कर सकते हैं आप। नीचे आइए जरा, उसको करवाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। जहां पे आपके कॉलम के नाम लिखे हैं ना, KLMNOP, चलिए इसको पार्क कर देता हूँ, ये मैं बाद में दिखाऊंगा। ये आपने देखिए कलर्स कर लिया, शेप कर लिया, अब ऐड शेप कह रहा था मैं, आप एक बार सीईओ को सेलेक्ट करिए, सीईओ को सेलेक्ट करिए और वहां पे जाइए, देखिए ऐड शेप लिखा हुआ है मेन्यू बार में, बिल्कुल लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट, नहीं, क्लिक नहीं किया करिए, क्लिक करते जाते हैं, आप कहीं पे भी कर्सर ले जाते हैं पहले टिप कर देते हैं, क्यों नहीं, जहां पे काम है वहां पे। क्योंकि एक चीज समझिएगा, हर क्लिक एक प्रोग्राम है एक्सेल के लिए, हर क्लिक एक काम है, राइट। आप मेन्यू बार में अभी जाइए और लेफ्ट की तरफ जाइए, वहां देखिए ऐड शेप दिखेगा, और लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो बिल्कुल लेफ्ट में चले जाइए, हाँ ऐड शेप्स क्लिक करिए, ऐड शेप आफ्टर क्लिक कर दीजिए, वहां नीचे वाले में एक पे, वो देखिए एक शेप उसने साइड में ऐड कर दिया। इसको आप डिमोट बगल में लिखा है, डिमोट लिखिए, देखिए जहां कर्सर है उसके साइड में डीमोट लिखा हुआ है, उसको क्लिक करिए, वो देखिए नीचे चला गया शेप, राइट। अगर उसके ऊपर प्रोमोट लिखा है, प्रोमोट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा,
आप इससे अब शेप को कहीं भी ले जाके फिट कर सकते हैं किसी भी जगह, और उसके द्वारा आप एक हायरार्की बना सकते हैं। मैंने एक ही स्मार्ट आर्ट दिखाया है, आप हायरार्की बना सकते हो, प्रोसेस बना सकते हो, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। सो इलस्ट्रेशन का जो ये ग्रुप है बहुत बड़ा है लेकिन ईजी है, आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है बिना डरे हुए। आप बिना उस पर अलग अलग चीजें उस पर क्लिक करिए और उसको करने की कोशिश करिए, यू विल बी एबल टू अचीव इट। एक बार और आप स्मार्ट आर्ट में जाइए और वहां से हम लोग एक और शेप लाने की कोशिश कर देते हैं। वी कैन गो टू स्मार्ट आर्ट, नाइस स्माइली इज फ्लाइंग, वेरी नाइस। सो सर ये गलती से हो रहा, सॉरी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। एक बार बाहर क्लिक करिए, बाहर क्लिक करने का मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्टेड है ना उसके बाहर क्लिक करना है आपको। हाँ ये आपने क्लिक किया, फिर से आप इंसर्ट पे जाइए, हायरार्की पे जाइए, इंसर्ट पे जाएंगे, इलस्ट्रेशंस पे जाएंगे, इलस्ट्रेशंस के अंदर स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे, स्मार्ट आर्ट के अंदर अगर आप इसमें प्रोसेस ले लेते हैं, तीसरे नंबर पे देखिए प्रोसेस है, क्लिक करिए, क्लिक करिए तब दिखेगा। अब आप कोई प्रोसेस शो करना चाहते हैं, पहला वाला ही ले लीजिए, फर्स्ट जो आया है वो ओके, क्लिक करके ओके करिए, आ गया आपका प्रोसेस, आ चुका है। इसको पकड़ के साइड में करिए, इसलिए देखिए कर्सर कहाँ रखे बहुत जरूरी होता है। आप जहां कर्सर रखोगे ये उस शेप के ऊपर ये शेप चढ़ गया, राइट। अब ये आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, ये उसी के साथ चिपक गया है, कंट्रोल जेड करिए, कंट्रोल जेड करिए, और एक बार करिए, और एक बार करिए। हाँ अब बाहर कर्सर, अलग बाहर थोड़ी दूर कर्सर रखिए, कुछ भी नया काम करना है डिस्टेंस छोड़िए, नहीं एक्सेल कंफ्यूज हो जाता है। अब जाके वही काम करिए, अब टेक्स्ट लिखा है उस पर लिख दीजिए स्टेप वन, पहले वाले टेक्स्ट में आप टाइप कर दीजिए स्टेप वन, दूसरे में स्टेप टू। सो इस तरीके से देखिए कोई भी प्रोसेस आप दिखाना चाहते हैं कि पहले ऑर्डर कलेक्ट होगा, फिर सेल होगी, फिर कलेक्शन होगा, फिर तो जो भी आपको प्रोसेस करना है, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी इफ यू आर यूजिंग द स्मार्ट आर्ट्स। और ऊपर जाके आप उसके कलर्स वगैरह जैसे भी चेंज कर रहे हैं वो एक बार क्विकली करके देख लीजिए। सो यू कैन डू दिस लाइक दिस, राइट। स्मार्ट, हाँ वेरी गुड, यू कैन चूज कलर फ्रॉम देयर। इसमें तीसरे चौथे नंबर पे देखिए अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, ये सिंपल कलर से एक ही कलर आएगा, जो ऊपर कलरफुल वाला है उसमें देखिए आपको ज्यादा कलरफुल दिखेंगे। यस उसके साइड में देखिए ग्रीन भी है, येलो भी है, यस दिस इज बेस्ट, इसको टिक कर दीजिए, राइट। ये कलर्स आ गए, शेप्स आपको चेंज करना है, मैंने आपको दिखाया था, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए पहले इसको सेलेक्ट करिए तभी ऊपर स्मार्ट आर्ट आएगा, फिर उसके शेप्स जो अलग अलग दिख रहे हैं स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, उसको क्लिक करके आप बहुत सारी स्टाइल्स में से कोई स्टाइल चूज कर सकते हैं। सो होप गाइज आप लोगों ने सीखा आज इलस्ट्रेशन टैब को, लर्न इट गाइज। यस सर। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा गाइस, प्रैक्टिस करिए तो ये इंटरेस्टिंग है। आपको किसी को कुछ दिखाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, उसके अंदर आप स्मार्ट आर्ट डाल के फटाफट कुछ चीजें कर सकते हो बहुत इजीली और बहुत अट्रैक्टिव वे में। ओके क्या आप लोगों को याद है अपनी ग्रिड लाइंस कौन से टैब में जाके हटाई थी गाइस, कौन से टैब से ग्रिड लाइंस हटाई थी? नहीं सर, V
व्यू टैब में देखिए यही है, हम लोग जब करते हैं तो लगता है अरे ये तो बड़ा आसान है, भूल जाते हैं। व्यू टैब क्लिक करके सुरेश जी एक बार दिखा दीजिए, फिर ये क्लास बंद कर रहे हैं। व्यू टैब में नीचे देखिए रेड लाइन्स है जस्ट नीचे आपके कर्सर के, उसको क्लिक करिए वापस आ जाएंगे पूरे शीट पे रेड लाइन्स। जरा सा नीचे आइए, टिक लगा दीजिए, देखिए पूरी शीट पे आपकी लाइनें बन गई पीछे। कैन यू सी, अनचेक करके हट जाएंगे। चलो गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट ऑन मंडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।